भले ही सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की बात करती हो, लेकिन जमीन पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन घटनाएं होती हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यही कारण है कि असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में टोरिया गांव में आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही नीतू कोविड-19 के चलते बच्चों को फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाने के प्रयास में जुटी हैं। नीतू दाहिया ने बताया कि मंगलवार की रात चंद्रनगर निवासी लोकेंद्र परिहार नाम के युवक का व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज आया। रिप्लाई नहीं देने पर रात को 12:30 बजे वीडियो कॉल किया गया। नीतू के भाई के द्वारा जब युवक से पूछा गया तो युवक ने नशे की हालत में अपशब्दों का प्रयोग भी किया। इस मामले को लेकर नीतू और उनके परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की है और ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। बमीठा थाना प्रभारी हेमंत नायक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल महिला आरक्षक बुलाकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। नीतू का कहना है कि ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है और न जाने कितनी महिलाओं को परेशान करते रहते हैं। महिलाओं को ऐसे में चुप नहीं बैठना चाहिए, अगर उनके साथ गलत हो तो तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। एक्चुअली में मैं फेसबुक पे एक नीतू की पाठशाला नाम से पेज चला रही हूँ, क्योंकि मैं गरीब बच्चों और आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती हूँ। तो एक बंदा जो चंद्रनगर का रहने वाला है, इसका नाम है लोकेंद्र सिंह परिहार, इसने मुझे कल रात को मैसेज किए हैं जो कि मेरे लिए असहज हैं, और कुछ वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल किए हैं। और इसके बाद जब मैंने इसको वापस कॉल किया तो इसने अभद्र तरीके से मेरे से व्यवहार किया, इसीलिए मैं इसे कंप्लेंट कराने थाना बमीठा आई हूँ। तो यहाँ की पुलिस ने मेरा पूरा साथ दिया है, इन लोगों ने मेरी FIR दर्ज कर ली है, और जो भी बेहतर स्टेप होंगे वो ये लेंगे।